फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 ऐसे बैंक जो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने पे सबसे ज़्यादा ब्याज दर देते हैं। क्योंकि जब बात फ्यूचर की आती है और बचत करने की आती है तो बैंक डिपॉजिट यानी कि FD का ख्याल सबसे पहले मन में आता है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD गारंटीड फिक्स रिटर्न ऑफर करते हैं। जो लोग जोखिम नहीं लेना चाहते वो बैंकों में FD कराने को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इनकी सबसे अहम खूबी ये होती है कि ये गारंटीड रिटर्न देते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं जो कि अलग अलग पीरियड के लिए फिक्स डिपॉजिट ऑफर करते हैं। अलग अलग बैंकों से FD मैच्योर होने पर मिलने वाली ब्याज दर भी अलग अलग ही होती है। जहां पर कुछ बैंक 1 साल की FD पर ज़्यादा ब्याज देते हैं, वहीं पर कुछ बैंक 3 से 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर ऊंची ब्याज दर देते हैं। इसलिए अगर आप FD कराने की सोच रहे हैं तो ये सभी बैंक द्वारा ऑफर की जाने वाली ब्याज दर की तुलना करना बहुत जरूरी है। 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर SBI 6.4% का ब्याज दर ऑफर करता है, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो 1 साल की FD पर 7.9% का ब्याज दर देते हैं। अगर आप FD पर ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो अलग अलग बैंकों से रेट आपको पता कर लेने चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों की तुलना में प्राइवेट बैंक ज़्यादा ब्याज दर ऑफर करते हैं। इस वक्त RBL बैंक 1 साल की अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज़्यादा यानी कि 7.9% का ब्याज दर ऑफर करता है। अगर आप 10,000 रुपये की FD कराते हैं तो 1 साल के आखिर में तिमाही कंपाउंडिंग के आधार पर 10,814 रुपये मिल जाएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक 1 साल की FD पर 7.75% का ब्याज दर देता है। इसके बाद इंडसइंड बैंक, साउथ इंडियन बैंक और बंधक बैंक का नंबर आता है। इंडसइंड बैंक 7.6% देता है, साउथ इंडियन बैंक 7.4% देता है, वहीं बंधक बैंक 7.35% का ब्याज दर देता है। वहीं अगर बात करें 2 साल के पीरियड सबसे ज़्यादा ब्याज दर कौन सा बैंक ऑफर करता है, प्राइवेट बैंक IDFC 2 साल के लिए 8.5% की ब्याज दर ऑफर करता है। गौर करने वाली बात है कि SBI फिलहाल 2 साल की FD पर 6.8% का ब्याज देता है। वहीं RBL बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और इंडसइंड बैंक 7.5% से लेकर 8% तक का ब्याज 2 साल की FD पर देते हैं। अब अगर 3 साल के ब्याज दर की बात करें तो DBS बैंक 3 साल की अवधि के लिए आम नागरिकों को 8.2% का ब्याज दर ऑफर करता है। वहीं अगर FD सीनियर सिटीजन कराते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए ये दर 50 बेसिस ज़्यादा होता है, यानी कि अगर 10,000 रुपये 3 साल के लिए DBS बैंक में FD कराई जाती है तो मेच्योरिटी के वक्त आपको 12,776 रुपये मिलेंगे। इसके बाद UL स्मॉल बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक का नंबर आता है। अब अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा 7.85% का ब्याज लक्ष्मी विलास बैंक देता है, यानी कि 5 साल में अगर आप 10,000 रुपये जमा कराते हैं मेच्योरिटी पर 14,751 रुपये मिलेंगे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.77% का ब्याज देता है, जबकि DBS बैंक इस पीरियड के लिए 7.75% का ब्याज ऑफर करता है। बंधक बैंक और RBL बैंक 5 साल के लिए FD कराने पर 7.65% का ब्याज दर और 7.6% का ब्याज दर देते हैं। इस तरह से अगर आप 5 साल के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स भी बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल के लिए टैक्स बचाने के पर्पज से निवेश करते हैं तो 5 साल से पहले रकम नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा अपडेट। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।